गोवंश की तस्करी। दो पिकअप वाहनों में क्रूरतापूर्वक भरे थे 15 गोवंश, 3 की हो गई मौत, एक आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूँ शारदा कला, आप देख रहे हैं MP7 News। खबरों के अधिक जानकारी के लिए आप MP7 News चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए पिपलिया मंडी की विशेष खबर। धूलियावध के लिए दो पिकअप वाहनों में गोवंश की तस्करी करते एक आरोपी को पकड़ा है। दो आरोपी भाग निकले, पिकअप में 3 गोवंश की मौत हो गई। पुलिस ने वाहनों से 60-60 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की। नारगढ़ पुलिस ने लोडिंग पिकअप वाहन MP14 GC 1430 को कचनारा की ओर से आते हुए रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देख ड्राइवर पिकअप छोड़कर भाग निकला। साइड में बैठे व्यक्ति ने पहचान कोडिया डेरा मुल्तानपुरा निवासी यूसुफ पिता वहीद सुन्नी बताई। मौके से भागने वाले व्यक्ति की पहचान बोतलगंज निचलावास निवासी शाकिर पिता मुबारक बताई। पिकअप की तलाशी के दौरान 8 गोवंश क्रूरतापूर्वक रस्सी से बंधे होना पाए, जिन्हें बाहर निकाला तो 3 की मौत हो चुकी थी। पिकअप में प्लास्टिक कैन से 60 लीटर कच्ची शराब भी बरामद हुई। जीवित 5 गोवंश को बेटीखेड़ी गौशाला भिजवाया। इसी तरह पीछे आ रही एक और पिकअप MP14 GC 1045 को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ड्राइवर पिकअप छोड़कर भाग निकला। तलाशी के दौरान इसमें 7 गोवंश क्रूरतापूर्वक रस्सी से बांधकर ठूस-ठूस कर भरे होना पाए। इसमें भी प्लास्टिक कैन से 60 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। दोनों फरार आरोपियों की तलाश जारी है। तस्करी करते दो आरोपी गिरफ्तार। 59 गोवंश जब्त। बेसुदा मंडी गोवंश तस्करी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्री ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बेसुदा तालाब के पास ट्रक MP09HG 5800 को रोककर तलाशी ली। ट्रक में 59 गोवंश मिले। परिवहन संबंधी दस्तावेज नहीं होने पर गोवंश व ट्रक जब्त कर बोतलगंज निवासी शाहरुख पिता बाबू खां उम्र 23 वर्ष, मुल्तानपुरा निवासी आरिफ पिता सलीम गुट्टी उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया। देखते रहिए हमारे साथ MP7 News।